मेरा नाम दीपंकर है, मैं कलकत्ता से हूँ। मेरा दोस्त सब लोग बोलते हैं कि मेरा आदित्य नारायण जैसा दिखता हूँ। मैं उन सब लोगों को बोलता हूँ कि मैं आदित्य नारायण दिखता भी नहीं, मैं गाता भी हूँ ऐसे स्टाइल। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम दीपंकर है। अरे, और मैं कलकत्ता से हूँ। और उम्र क्या है आपकी? उम्र 18 है। और म्यूजिक सीखते हो कि नहीं? नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही तो करते क्या आप? इंजीनियरिंग पढ़ता हूँ। इंजीनियरिंग जब सीखते हो तो फिर म्यूजिक क्यों नहीं सीखते? म्यूजिक ऐसे ही हो जाता है, इसलिए नहीं सीखता हूँ। अच्छा। ये बहुत ऑनेस्ट आंसर था। क्या गाने वाले आप? भीगे होंठ तेरे। भीगे होंठ तेरे। भीगे होंठ तेरे। चलो भीगे होंठ तेरे। भीगे होंठ तेरे, प्यास सा दिल मेरा, लगे अफ़्रज़ा, मुझे तन तेरा, जमके बरसाते, मुझे पर घटाए, तू ही मेरी प्यास, तू ही मेरा जान, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह दीपांकर। हाँ बोलिए सर। अगर इस तरीके से किसी लड़की को रात भर प्यार करोगे तो सुबह तो मर जाएगी वो। डेड हो गए। थैंक यू सर। इतना प्यार करोगे यार, कैसे कैसे प्यार करोगे? देख कैसे वो पैर 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 वाला वो जो पैर का स्टेप था ना, वो नहीं आपको पता है कि आपकी शक्ल मेरे बहुत प्यारे से छोटे बच्चे से मिलती है? पता है। कौन? आदित्य नारायण। आदित्य आदित्य नारायण हाजिर हो। आदित्य हो। वाओ। रियली थोड़ा टिंट लगा है बस। बाल सेम है ना? डार्क टिंट। बाल सेम है हमारे। अच्छा, अब इनमें से किसको रखे, आदित्य रखे कि इनको रखे? मुझे लगता है कि दीपांकर जैसा परफॉर्मर मैंने आज तक नहीं देखा है। मैम ने भी नहीं देखा है। इतना ताल में, इतना लय में, इतना सुर में, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आई थिंक दीपांकर हैज मोर चांसेस बस। ये तो वे अहेड है, मतलब कंपैरिजन ही आता है ऑफ कोर्स दीपांकर। लेकिन क्या करें, आदित्य को हम ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए आदित्य योर आपके लिए हाँ है। oh, और दीपांकर आपके लिए काम ना है। ऑन अ सीरियस नोट, दीपांकर नो। संजय जी, दीपांकर ये जवाब भी अजीब लगता है मुझे, इट्स अ नो। बट थैंक यू दीपांकर, आपने आके खूब एंटरटेन किया और आपकी स्पिरिट हमारे लिए बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। हेलो उषा मधु। संजय लीला भंसाली जी और श्रेया जी ने तो हाँ बोला था, लेकिन सोनू निगम जी ने ना कर दिया इसलिए नहीं हुआ। लेकिन उन्हें आदित्य को लिया और मेरे को छोड़ दिया। मैं जाजस के डिसीजन से एकदम संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे को लगता है ये सब गलत है।